नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। लोअर पीसीएस की जो पोस्ट आई 672 उसकी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना चाहिए, फाइनल ईयर ग्रेजुएट वाले एप्लीकेबल हैं कि नहीं है, आयु की जो गणना होगी यानी कि एज लिमिट आप कब से कब तक होगी, प्लस पोस्ट प्रेफरेंस करते टाइम क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, सिलेबस क्या है, मेंस अग्नि, सारे सवालों की चर्चा करेंगे। इससे पहले एक और वीडियो बनाया था मैंने, लोगों को बड़े कंफ्यूजन है यार। देखिए सबसे पहले मैं ये बता दे रहा हूँ, फिर मैं एक अपनी बात जरूर रखना चाहूंगा, उसके लिए लास्ट तक रुकें। सबसे पहली बात तो ये है कि जब पोस्ट प्रेफरेंस आप भर रहे हैं तो आपको कुछ फैक्टर यहाँ पे ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहली बात तो उस पर्टिकुलर पोस्ट की कितने नंबर निकले, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 100 है, 200 है, कम है, ज्यादा है, ये सब। दूसरी बात है कि उसकी इनकम कितनी है, मतलब आपको सैलरी कितनी मिलेगी। एक तो ये है ऑफिशियल इनकम है, जो दूसरी वाली है इसको मैं बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी स्टूडेंट को ये सोच के ये तैयारी करनी चाहिए कि अदर इनकम होगी कि नहीं, इसी पे तो पूरा वीडियो पे बवाल हो गया। ठीक है, मैंने एक्चुअली क्या किया, मैंने एक सरकास्टिक कमेंट किया था उसमें वीडियो में, और लोगों ने वो समझा कि नहीं मैं उसको करप्शन को प्रमोट कर रहा हूं। यार हो ही नहीं सकता ऐसा यार, करप्ट जितने भी लोग हैं मैं उनके हमेशा खिलाफ काम किया हूं। और ये जो चीज है ये अदर इनकम वाला मैंने इसलिए बोला यहाँ पे कि कई लोग एक्चुअली ना फेसबुक में कई सारे वीडियोस में पूछ रहे हैं कि ऊपरी इनकम कितनी मिली है। ये बड़ी बड़ी गलत मानसिक प्रवृत्ति है ये, इसको मैंने मतलब एक सार्कैज़म नहीं समझते हो यार आप लोग, ये बात तो है। ठीक है, मैं सिर्फ चर्चा करूंगा ऑफिशियल इनकम कितनी है, मतलब कि जो ग्रेड पे होती है ये वाली, कि 9300 से लेके 34800 ग्रेड पे है, कि ये वाली ग्रेड पे है 5200 से लेके 20200 वाली ग्रेड पे है, मतलब ये जो बेसिक पे प्लस ग्रेड पे 2800 वाली है, ग्रेड पे यहाँ पे 4200 वाली है, एक 2400 वाली, तीन ग्रेड पे वाली है। ठीक है, प्रमोशन के क्या क्या स्कोप है, ये सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो यही है, प्रमोशन के क्या स्कोप है। और दूसरी बात है कि क्या आपको दूसरे एग्जाम जैसे अपर पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, इन सब एग्जाम की तैयारी करने के लिए टाइम मिलेगा कि नहीं इन सब जॉब में। और दूसरी बात है स्कोप क्या है, ठीक है, और अधिकारी वाली फीलिंग वाली कौन कौन सी जॉब है, ये सब चीजें समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए एज लिमिट क्या है इसकी। एज लिमिट जो है केवल अधिशासी अधिकारी और राजस्व अधिकारी, ठीक है, जो राजस्व निरीक्षक है, इन दोनों की छोड़ के बाकी सबकी एज लिमिट है 1 जुलाई 2019। 21 से 40 साल तक है, 1 जुलाई 2019 को आपने कवर कर लिया हो। इन दोनों जो पोस्ट के लिए 1 जुलाई 2020 है। अब देखिए फाइनल ईयर ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, अगर उन्होंने फाइनल ईयर जो ग्रेजुएशन की डिग्री है इसमें देखो लिखा हुआ है साफ साफ, आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे कि जो भी इसमें अनिवार्य अर्हता है यानी कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, जो कि आपको रिक्वायरमेंट करनी ही करनी पूरी है, अगर आप ग्रेजुएट हैं। और लास्ट डेट कब है, लास्ट डेट है 19 फरवरी। अच्छा, उसके बाद 7 दिन का टाइम किस लिए दिया है, नोटिफिकेशन के लिए दिया है, लेकिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है, 19 फरवरी। 19 फरवरी तक अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, वरना मेरे जो मेरी समझ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से वो नहीं है। एक होती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक होती है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब है कि आप अगर इतनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म भर सकते हो उसको। प्रेफरेंशियल में क्या मतलब है कि मान लीजिए दो लोगों के सेम नंबर आ गए और आपके पास अगर उसमें कुछ प्रेफरेंशियल मांगा है कि नहीं, आपने अगर कुछ अच्छे से कोई एनसीसी में कोई सर्टिफिकेट है आपके पास किसी के पास और इसके पास नहीं है और दोनों के मार्क्स बराबर हैं तो इसको प्रेफरेंस किया जाएगा, ठीक है। लेकिन एसेंशियल का मतलब यह है कि आप उसको फॉर्म को भर सकते हैं और आपको बिल्कुल एलिजिबल भी है, ठीक। फिर मेंस कब होगा इसकी लास्ट में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सबकी, अधिशासी अधिकारी इसके बारे में बहुत लोग कह रहे हैं, इसके पोस्ट 107 सहायक चकबंदी के हैं, 94 विपणन निरीक्षक ये अधिकारी जो है मतलब मार्केटिंग इंस्पेक्टर के 194 है, सप्लाई निरीक्षक के हैं 151, सहायक उद्यान के हैं 89, ऊपर जिला जो अपर जिला सूचना अधिकारी हिंदी वाला 11 है, और राजस्व निरीक्षक के हैं 26। ग्रेजुएट वाले लोग कौन कौन सी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, एक अधिशासी अधिकारी, लेकिन यहाँ पे बस एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको 2-1 ओ लेवल से जो है वो ओ लेवल कंप्लीट करना होगा 2 सालों के अंदर, ठीक है, 2 सालों के अंदर। मतलब आप अगर नहीं भी हैं अभी 2-1 ओ लेवल आपने 2-1 से नहीं किया तो भी भर सकते हैं, 2 साल के अंदर आपको ये कंप्लीट करना होगा, ये एक अनिवार्य यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है, आप ग्रेजुएट होके भर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद जो ये वाली सहायक चकबंदी वाली है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर, ये तीनों और प्लस ये चारों आप नॉर्मल ग्रेजुएट वाले लोग भर सकते हैं। सहायक उद्यान के लिए सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर मांगा गया है या फिर बीएससी जीव विज्ञान समूह से मांगा गया है।
अपर जिला सूचना अधिकारी के लिए आप हिंदी ग्रेजुएट होने चाहिए। फाइनल डेट कब है? 19 फरवरी, इससे पहले हिंदी ग्रेजुएट होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात है कि आपका 12th में सब्जेक्ट है इंग्लिश जरूर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर राजस्व निरीक्षक के लिए आप जो है वो ग्रेजुएशन आपकी कॉमर्स और अर्थशास्त्र में होनी चाहिए। ये तो है आपकी रिक्वायरमेंट। अब देखिए भरना क्या है, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या क्या है। सबसे अच्छा जो पोस्ट है अधिकारी वाली फील्डिंग के लिए वो मानी जाती है अधिशासी अधिकारी। इनको इनके अंडर में कई सारे लोग काम करते हैं और एक अच्छी इनकी मतलब एक इमेज होती है। तो एक प्रशासनिक अधिकारी वाली फीलिंग जो है वो इसमें आ जाती है कि आप बिल्कुल साहब बाबू बन के रहते हैं, ये वाली बात है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है प्रमोशन के स्कोप कम रहते हैं एज कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। ऊपरी इनकम की बात फिर से मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे कई लोग ऐसा करते हैं लेकिन इस सोच से मत जाइए, क्योंकि जैसी नियत होती है ना वैसी ही बरकत होती है, ठीक है। अगर आप यही सोच के जाएंगे कि नहीं हमको ऊपरी इनकम ही करना है तो आप पक्का कभी ना कभी फंसेंगे। आप एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, जो भी लोग ऐसा पैसा कमाते हैं उनका फाइनली जो है कुदरत है ना, जो जो कर्म आप करोगे ना वो फल मिलेगा। आप मुझे गाली दोगे ना आपको भी कभी ना कभी मिलेगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एक चीज है। तो अधिशासी अधिकारी में क्या है, आपके प्रमोशन के स्कोप कम है लेकिन फील्डिंग अधिकारी वाली ज्यादा है, और ये है इसमें एक बात, ठीक है। टोटल अगर आप सैलरी कंपेयर करेंगे, क्योंकि देखिए इसका जो बेसिक पे है 5,200 से 20,200 है, ग्रेड पे सिर्फ 2,800 है, तो इसकी जो ऑफिशियल सैलरी होगी इन तीनों के कंपैरिजन में कम मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ऑफिशियल सैलरी वाइज देखना चाहते हैं तो सहायक चकबंदी यानी कि कंसोलिडेशन, लैंड कंसोलिडेशन इनका काम होगा, और मार्केटिंग इंस्पेक्टर की जो जॉब है ये थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है, सप्लाई इंस्पेक्टर की जॉब भी थोड़ी सी चैलेंजिंग है। लड़कियों के लिए अगर आपको मैं बताऊं तो लड़कियों को सबसे पहले अधिशासी अधिकारी वाले बनना चाहिए, फिर उसके बाद अब देखिए ये जो चारों के लिए मैंने बोला था, मैंने ये बोला था कि ये जो तीन है, ये तीन है इनको आप नंबर वन पे भरिए, क्योंकि यहाँ पे सैलरी सबसे ज्यादा मिलेगी। जो ऑफिशियल गवर्नमेंट वाली सैलरी होगी वो करीबन 44 से 45 तक मिलेगी, यहाँ करीबन 45,000 तक, ठीक है। ऑफिशियल सैलरी अधिशासी अधिकारी में थोड़ी सी यहाँ पे कम मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे टोटल ग्रेड पे प्लस बेसिक पे कम है। लेकिन यहाँ देखिए अब सहायक चकबंदी अधिकारी में जो है प्रमोशन होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। मार्केटिंग इंस्पेक्टर और सप्लाई इंस्पेक्टर में यहाँ भी जो है प्रमोशन बड़ी लेट लेट होता है, ठीक है, 8-8, 9-9, 10-10 साल लग जाते हैं, ठीक है। सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए यह है कि अगर आपने बड़ी जल्दी एज में कर लिया तो आप कैरियर के एंड होने से पहले पीसीएस इक्विवेलेंट पोस्ट पे पहुंच सकते हैं आराम से, ठीक है। और बाकी ये जो तीन है इसमें तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी अगर यहाँ पे अर्हता है, आपकी क्वालिफिकेशन है, तभी तो आप कर सकते हो ना। तो जो 7 चॉइसेस भरनी है वहां पे, इन्हीं चारों में से भरनी है, ठीक है। अगर सिर्फ मतलब आप ईमानदार प्रवृत्ति के हो, और मतलब देखिए कई बार एक बात ये है ना कि लोग ना चाहे भले ही अंदर लेवल कुछ भी कर ले, लेकिन वो मानेंगे नहीं, दिखाएंगे भैया हम ही ईमानदार। आपने YouTube में भी मैं बताऊं, अगर किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, कई लोग थे पहले कि हम बिल्कुल ईमानदार हैं, हम गरीबों को पढ़ाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो ये सब चीजें ना, ये बड़बोले वाली जो चीजें होती है ना, ये ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है, ठीक है। मैंने हमेशा से बोला है कि हमारे वीडियोस पूरे पेड हमेशा फ्री रहेंगे और हमारी जो PDF है हमेशा पेड रहेगी, ठीक है। आप मेरी चाहे तो इनकम भी देख सकते हैं, पिछले महीने भी करीबन $700 आई है टोटल मिला के, और हम अपने चैनल पे ऑप्शनल से लेके UPSC से लेके इतने बड़े बड़े कोर्सेज चलाते हैं और एडुकेटर्स को पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे पैसे लेते हैं, कोई 600-800 ऐसे ऐसे करके लोग पैसे लेते हैं यार, बिना पैसे के नहीं काम करता है, क्योंकि वो एक मोटिवेशन उनको चाहिए। तो इसीलिए जो इनकम का सोर्स है वो क्या है, वो पेड ग्रुप की जो PDFs है। तो इसीलिए मैं करता हूँ, देखिए मेरा बिल्कुल साफ बात है, जो भी बोलता हूँ बिल्कुल मुंह पे बोलता हूँ एकदम साफ। तो मुझे पेड ग्रुप से पैसे लेके मुझे एडुकेटर को देने होते हैं, वो मैं इन्वेस्ट करता हूँ आप ही लोगों पे, तो सोसाइटी को मैं गिव बैक कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये वाली बात समझिए आप कि जो ये मार्केटिंग इंस्पेक्टर और सप्लाई इंस्पेक्टर, मैं इसके बारे में किसी के बारे में नहीं कहना चाहूंगा, अगर कोई मुझे मार्केटिंग इंस्पेक्टर और सप्लाई इंस्पेक्टर देख रहा हो तो प्लीज आप ऐसा कुछ लीगल क्लेम मत करिए। बस मेरी एक राय ये थी जो मैंने सुना, कई जगह रिसर्च किया, उसमें ये समझ में आया कि इसमें लोग ऊपरी बहुत कमाते हैं लेकिन वो पकड़े भी जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप ऐसी प्रवृत्ति से मत करिए। आप ये सोचिए कि कहाँ पे आपको टाइम मिलेगा कि आप PCS बन जाओ, अपर PCS अधिकारी बन जाओ, UPSC वाले अधिकारी बन जाओ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। इन सब फैक्टर्स को लेके ही आप प्रोज प्रेफरेंस देना, ठीक है। तो आप मेरे हिसाब से तो चकबंदी वाली है जो इसमें, क्योंकि पैसे भी ठीक है, आप ऑफिशियल से भी 45,000 के आसपास है, और सप्लाई इंस्पेक्टर की भी अच्छी खासी पोस्ट मानी जाती है। तो या तो आप नंबर 1 पे ये रख लीजिए, ठीक है, और नंबर 2 पे आप ये अधिशासी वाली रख लीजिए,
ठीक है, नंबर थ्री पे ये रख लीजिए, नंबर फोर पे ये रख लीजिए, बाकी ये जो तीन में इसमें ये वाली लास्ट नंबर पे रखिएगा, ये वाली जो अगर इसके लिए आप है मतलब इस एसेंशियल है आपके पास क्वालिफिकेशन, तो ये वाली जो पोस्ट है ये ज्यादा अच्छी मानी जाती है एज कम्पेयर टू ये सहायक उद्यान निरीक्षक से। ठीक है, अब देखिए कोई भी ऐसा नहीं मतलब कोई इसमें से अधिकारी सुन रहा हो वो गुस्सा हो जाए कि यार मेरी पोस्ट को बेकार करो, ये सब चीजें रिसर्च और जो न्यूज़पेपर में है इन सब से सुना सुना के जो भी उन्होंने बताया उसकी एनालिसिस है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो इनमें से कोई भी अधिकारी है तो प्लीज अपने वर्क प्रोफाइल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कमेंट के माध्यम से लोगों को दे, ताकि लोगों तक बात पहुंचे कि एग्जैक्टली काम क्या होता है। इसमें देखिए अगर आप कोई भी वेबसाइट सर्च करेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी आपको कि एग्जैक्टली कितना पैसा है, ऊपरी इनकम क्या है, ये सब पता नहीं है। ऐसा लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आप फेसबुक में कमेंट देखिए, यूट्यूब में कमेंट देखिए, सब यही पूछ रहे हैं। फिर कुछ लोग तो इसको जस्टिफाई भी करने लगते हैं कि यार इतनी कम सैलरी में होगा क्या, और अगर आदमी नहीं करेगा करप्शन तो कैसे चलेगा। तो मत करो ना आप जॉब, आप कोई प्राइवेट धंधा खोल लो, कोई बिजनेस खोल लो, कोई एंटरप्रेन्योर बन जाओ, उसमें आप कमाओ। ठीक है, अंबानी और इन सब की तरह बनो ना फिर। तो ये सब चीजें हैं, अगर आपको यहाँ गवर्नमेंट को सर्व करना है, यहाँ पे लोगों को आपको लोगों के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। गवर्नेंस का जो मतलब है, सुशासन का मतलब है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक, तो ये वाली जो है अधिशासी अधिकारी वाली जो जॉब है, इसमें बहुत अच्छा एक अधिकारी वाला फीलिंग, प्लस बहुत सारे लोग होंगे वो सब जीव जूरी करने वाले बाबू वाले टाइप जो होती जॉब, इसके लिए अच्छी है। तो लड़कियों के लिए मेरे हिसाब से ये अच्छी काफी जॉब है लड़कियों के लिए। बस ये मैंने सुनाया जाता है कि मार्केटिंग इंस्पेक्टर वाली जॉब जो है बहुत चैलेंजिंग है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा लेट ही रखिएगा, मतलब तीसरे चौथे नंबर पर रखिएगा। चकबंदी वाली अधिकारी भी इससे जो है कम चैलेंजिंग है। ठीक है, तो चकबंदी वाली अधिकारी में जो है ये वाली जो जॉब है, इसमें बल्कि सैलरी भी आपकी टोटल मिला के आप देखें तो ग्रेड पे प्लस बेसिक सैलरी ज्यादा है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए एक बार, थोड़ी और रिसर्च करिए, कोई भी कुछ भी बोले यूट्यूब पे, आप अपनी रिसर्च खुद करिए, गूगल बाबा जी तैयार बैठे हैं, आप उसमें सब कुछ देखिए कि कौन सा काम आप कर सकते हैं। आप इसमें देखिए लैंड कंसोलिडेशन वाला काम चकबंदी है, तो इसमें बिल्कुल आपका ऐसा पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा बहुत भू माफियाओं से आपकी टकरार हो सकती है। तो टकरार तो हर जगह होती है यार, आई एस पी सी एस मंत्री हर जगह तो लोग खाने बैठे हैं ना, तो ये वाली चीज से नहीं करना है। ठीक है, इस हिसाब से आप प्रेफरेंस अपनी फिल करिए। और दूसरी बात है ये कि ये जरूर देख लीजिए कि आपकी जो एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है ना ग्रेजुएट, ये आप फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। ठीक, ये सब चीजें हैं यहाँ पे। अब उसके बाद जो मैंने बोला था जैसे कि क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बोला था इनकम वाइज, इनकम वाइज मतलब ये ऑफिशियल इनकम वाइज, ये वाली इनकम, वो वाली इनकम नहीं। प्लीज यार ऐसे मत करो, मुझे ऐसे लांछन मत लगाया करो। दूसरी बात है कि यार कभी ना सरकाजम वाले जो कमेंट होते हैं ना, उसको थोड़ा सा कॉमन सेंस मतलब लगाया करो, कॉमन सेंस ऐसे घर में बैठ के ना एकदम से देखा करो, अपने साथ रखा करो, कॉमन सेंस अच्छा रहता है ना। मतलब जो चीज लोगों को ना गलत नहीं समझोगे फिर यार। कुछ लोगों को एक बात और है, कुछ लोग ईमानदारी की जो दुहाई देते हैं ना, सबसे पहले जाके वही करप्ट होते हैं जब ऑफिसर बनते हैं। और मैं अपने बारे में बता दूं, मैं ऑलरेडी जब मैं प्राइवेट जॉब में था, करीबन 14-15 लाख के पैकेज में मैं जॉब कर रहा था, मैंने छोड़ी थी क्योंकि मुझे उसमें मजा नहीं आ रहा था। मैं लाइफ में वही काम करता हूँ जिसमें मुझे अच्छा लगता है। ठीक, उसके बाद फिर मैंने राजस्थान पीसीएस का क्वालिफाई किया था फाइनली, मुझे वहाँ पे पोस्ट अच्छी नहीं मिली इसलिए मैंने उसको नहीं ज्वाइन किया। करीबन 700-800 मेरी रैंक आई थी तो इसलिए मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। अब ये जो कमेंट कर रहे हैं कि मुझे पता नहीं, कुछ आता नहीं, मेरा जो फोकस है सिर्फ मैं समझाने पर रहता हूँ। मेरे आप वीडियोस देखेंगे जो स्टडी रिलेटेड है, मैं उसमें सिर्फ समझाता हूँ। मैं बहुत सारे जो महान महान यूट्यूबर्स हैं इंडिया में, मैं उनकी तरह लाइन टू लाइन पढ़ता नहीं हूँ, मैं समझाने फोकस रखता हूँ। तो मेरा जो काम है, मैं अपनी मन मर्जी का मालिक हूँ, मतलब एकदम फ्रीलांसर टाइप हूँ, मेरी जब तक मर्जी है मैं तभी तक कर रहा हूँ। करप्शन और इन सब चीज़ों से मुझे सख्त नफरत है, इसीलिए मैंने कई बार जो है यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी में जो है बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है, बार बार पेपर लीक होता है। इस चक्कर में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए और मुझे बहुत सारी धमकियां भी मिली, लेकिन मैं डरता उड़ता नहीं हूँ किसी से यार, ये सब चीजों से नहीं। लेकिन आप लोग जो है, आप लोग तो गलत मत समझो यार, ये क्या बात हो गई यार। उसमें थंबनेल में मैंने जो आपका क्वेश्चन था वो लिखा था, कुछ भी बोलने लगते हो। चलो मेंस होगा कि नहीं, मेंस देखिए ये है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है पूरे नोटिफिकेशन में, देखिए आप कि अगर बहुत ज्यादा कैंडिडेट हो गए तो मेंस होगा। ठीक है, मेंस होने की संभावना बिल्कुल ज्यादा है, क्योंकि वीडियो में भी आपने देखा था बहुत करीबन 14-15 लाख लोगों ने भरा था शायद, और यहाँ भी ये लोअर पीसीएस की तो इतने दिनों बाद है। ठीक है, कई सारे लोग जो पीसीएस वाले लोग हैं जो यूपीएससी में, वो लोग भी भरेंगे, बिल्कुल भरेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो बहुत ज्यादा होगा।
तो इसलिए यहां मेंस होने की संभावना है। अब देखिए मैंने एक बात और बताई थी आपको कि पोस्ट प्रेफरेंस की एक बात फिर से बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा पोस्ट कहाँ पे है मार्केटिंग इंस्पेक्टर में, तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस कहाँ पे है मार्केटिंग इंस्पेक्टर में और सप्लाई इंस्पेक्टर में, ठीक है। तो इसलिए भी ये भी एक फैक्टर ध्यान रखिएगा पोस्ट प्रेफरेंस करते टाइम। और जो तीसरा है ये वाला आपका जो सहायक चकबंदी अधिकारी 94 और अधिशासी अधिकारी, ये चार जो है इसमें नंबर ऑफ पोस्ट भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप करिएगा। मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लगता है कि अगर पढ़ाई में सबसे ज्यादा टाइम कहाँ मिलेगा, मुझे लगता है अधिशासी अधिकारी में मिलेगा। तो जिनका आगे का कुछ मतलब तैयारी करने की है उम्मीद यहाँ पे, तो थोड़ा कम सैलरी आपको ऑफिशियल मिलेगी, लेकिन आपके ऑफिस ऑफिस रहेगा तो गवर्नमेंट ऑफिस में वैसे भी थोड़ा बहुत कम काम ही रहता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ पे पढ़ाई के लिए चांसेस मिल सकते हैं आपको। मार्केटिंग इंस्पेक्टर और सप्लाई इंस्पेक्टर में थोड़े कम चांसेस मिलेंगे, इसमें भी मिल सकते हैं सहायक चकबंदी अधिकारी में, क्योंकि वहां पे कंसल्टेशन करना पड़ेगा। आप गांव में जाओगे और वहां पे अपना मोबाइल अगर आपके पास है, सब कुछ नोट्स पीडीएफ आप पहले डाउनलोड करके ले जाओ तो पढ़ सकते हो। ये बस ये सब चीजें जो भी है मेरी पर्सनल थॉट है, कोई भी मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, आप अपनी रिस्क पे फॉलो करिएगा। आप सब कुछ देख समझ लीजिए, सारे वीडियोज को देख लीजिए, तब ये करिएगा, ठीक। सिलेबस क्या होगा, सिलेबस में देखिए जीके का पार्ट बहुत ज्यादा रहेगा, जीके प्लस करंट अफेयर। जीके में क्या होता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस और इन्वायरमेंट, ठीक है, ये छह चीजें होती हैं। करंट अफेयर तो आप हमारा बस वीडियो देख लीजिएगा, उतने में हो जाएगा जीके के लिए भी। और प्लस इसमें होता है हिंदी, जो यूपी ट्रिपल एससी के पेपर होते हैं हिंदी का एक बड़ा वेटेज रहता है प्लस। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी के साथ समस्या क्या है कि इनके जो पेपर होंगे इसमें एप्टीट्यूड और रीजनिंग का भी बड़ा ज्यादा वेटेज रहता है। इसी के लिए हमने एक नई क्लासेस चालू की एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग की, पूरी कंप्लीट कोर्स, ठीक है, लोअर पीसीएस के लिए आप उसको स्टडी फॉर एग्जाम्स में देख सकते हैं। और हिंदी का भी हमारा पूरा कोर्स जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में पड़ा हुआ है, आप उसको पूरा देख लीजिए, ठीक है। और इसके लिए हमने पूरे के पूरे नोट्स हिंदी मीडियम में अपनी वेबसाइट studyforcivilservices.com में डाल रखे हैं। कंप्लीट जितने यूपी ट्रिपल एससी की जो पोस्ट है, लोअर पीसीएस आपकी हो गई, मंडी परिषद और इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ के लिए हमने तीन चीजों के लिए ग्रुप चालू किया है, 4000 उसकी फीस है। उसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, जीके, करंट अफेयर, हिंदी, एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ठीक है। इसमें एक डिस्कशन ग्रुप भी हम लोग लाएंगे जिसमें कि एप्टीट्यूड और रीजनिंग के जो सवालों के डाउट्स होते हैं लोगों को सॉल्व कर देंगे, एक हमारे एडुकेटर रहेंगे उसमें आपके साथ। तो पूरी तरह से ये है कि हमारा साथ रहेगा आपके साथ। कुछ लोग ना मतलब बिना जाने और लबर लबर हर चीज में ना नहीं करना चाहिए यार, पहले वीडियो देखो और समझो कि बंदा क्या कह रहा है, तब ही कमेंट करो, ठीक है। बाकी आप लोगों को जो सोचना हो सोचो यार, मेरी जो स्पष्टवादिता है इस चक्कर में मैं कई बार गरियाया जाता हूँ, बहुत गाली खाता हूँ, लेकिन यार ये मैं नहीं छोड़ूंगा यार, ये नेचर है मेरा, ठीक है। अगर अब आप जैसे हो, मतलब मैं स्पष्टवादी हूँ, मुझे करप्शन से बिल्कुल सख्त नफरत है और मैं कभी भी इन सब पॉलिसी को कोई भी नहीं करता हूँ। इस चक्कर में मुझे कई बार यूपी पीसीएस के कई सारे मैंने वीडियो बना दिए थे, वहां के किसी एक अधिकारी ने मुझे क्लेम किया था और कह रहा था, मुझे धमकी दी थी कि मैं आपके खिलाफ केस करूंगा आयोग की तरफ से, आपको उखाड़ के फेंक दूंगा, ये सब चीजें। डरता वरता नहीं हूँ यार मैं, जो करना हो इसको कर लो, ठीक है। जो ये बात है स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए मैं बिल्कुल करूंगा, और जो भी चीजें यहाँ पे बताई गई आप देखते हैं हमारी वेबसाइट पे, सब कुछ फ्री में पढ़ा रहता है, सारे वीडियोस फ्री हैं। एक और है कमेंट का जवाब देना है मुझे कि कुछ लोग कहते हैं अभी 2-3 दिन से पता नहीं क्या कमेंट आ रहा है कि यार तुम फ्री थोड़ी ना पढ़ाते हो, हम अपने पैसे से रिचार्ज तो कराते हैं, इसमें क्या तुमने फ्री दे दिया। यार ये वाले कमेंट का मैं क्या जवाब दूँ। देखिए आप कोचिंग जाते हैं, मान लीजिए आपने 1.5 लाख फीस दी, तो क्या आप कोचिंग जाने तक का जो घर से आपने ऑटो करी, आपने कैब करी, उसका भी पैसा कोचिंग में फीस में इंक्लूड करोगे क्या? नहीं करते हो ना, कोचिंग वाला अपनी फीस से मतलब रखता है, ठीक है। तो मैं अपने वीडियो से मतलब रखता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं, यूट्यूब में आपने देखा होगा इस समय ट्रेंड चल रहा है कि ये सब वीडियो को पेड करके करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए कमाए एक एक महीने में, ठीक है। और YouTube में ऐसा नहीं कि वो कमा सकते हैं जब इतने घटिया वीडियोस देखे तो हम लोग क्यों नहीं कमा सकते, कोई भी कमा सकता है YouTube में। अगर देखिए जो आबादी है, कई सारे लोग तो मतलब कॉमन सेंस बिल्कुल घर में रख के बैठते हैं, उनको ये समझ ही नहीं आता कि कहाँ पे क्या कमेंट करना है, कौन बंदा सही है, कौन गलत है, किसको क्या कमेंट करना चाहिए, ये सब चीजें। अगर हम चाहें तो हम अपनी वीडियो पेड कर सकते हैं और लोग लेंगे बिल्कुल, ठीक है। 100 में से 1 बंदा भी लेगा ना तो भी वो करोड़ों में होगा। और आपको मेरी अगर इनकम देखनी, मैं अभी स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसमें आप देख लीजिए कि मैं कितना करोड़ रुपए कमाता हूँ, अभी देख लेना उसको, अभी भेज रहा हूँ और फिर बताना, ठीक है। उसमें मैं एडुकेटर को सर्वाइव ही नहीं कर सकता हूँ, एडुकेटर्स हमारे इसीलिए पहले से छोड़ के चले जाते थे,
अभी मैं उनको पर वीडियो के पैसे देता हूँ, इसीलिए वो रुकते हैं, क्योंकि एक मोटिवेशन तो चाहिए। आप लोग तैयारी क्यों कर रहे हो यार, ये थोड़ा सा ना हर जगह आइडियलिस्टिक नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल आइडियल, ठीक है, कि नहीं हम तो भैया एकदम सन्यासी हैं, हम तो भैया ईमानदार हैं एकदम। हम मैं ये कहता हूँ, देखिए साफ बात है, मैं वीडियो बनाता हूँ तो यहाँ पे मुझे एडुकेटर को भी पे करना है, उनके इंटरेस्ट का भी ख्याल रखना है, स्टूडेंट के इंटरेस्ट का भी ख्याल रखना है, इसीलिए वीडियोज हमारे हमेशा फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे, ठीक। एडुकेटर को भी अच्छा मॉनिटरी कंपनसेशन मिले, ताकि वो हमारे साथ रहें, अच्छा क्वालिटी कंटेंट दें और कहीं और ना भागें, इसलिए उनके लिए भी जुगाड़ करने पड़ेंगे यहाँ पे। और मेरी तरफ से जो भी चीजें बिल्कुल क्लियर रहेंगी यार, अगर आपको इसमें सब अंडरस्टैंडिंग है तो ठीक है, हमारे वीडियो देखा करो, वरना जो वीडियो है आपके पास हजारों लाखों ऑप्शन है यार, मैं इकलौता यूट्यूबर थोड़ी ना हूं, कितने तो है ऑप्शन आपके पास, आप चाहो तो चाहे इसका देखो, ठीक है। तो आपको अगर नहीं अच्छा लगा, अगर जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मेरा चाहे मैं उल्टा ना खड़ा होकर ना नाचने लगूं, तब भी लोग उसको डिसलाइक ही करेंगे जैसे मेरा वीडियो आएगा, तो आप भी ऐसे ही बन जाओ, फिर जैसे ही मेरा वीडियो आए तुरंत डिसलाइक और फिर उसके बाद कुछ देखो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ये मुझे कहना था, और बहुत देर से मैं कमेंट देख रहा था, और इसका मुझे कोई वैसा जवाब तो नहीं, बस ये यही है हमारी तरफ से। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।